हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। आज हम एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, टैबलेट प्रैक्टिन और टैबलेट डेक्सोना। इसका यूज़ बॉडी बिल्डिंग में कैसे होता है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स है। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। वेलकम बैक। अपने कंट्री में बहुत केसेस है पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मुझे ये केसेस मिलते हैं मेरे क्लिनिक में। यूजुअली स्टोरी कैसे रहती है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट हैपेंस कि कोई एक लड़का जिम जाना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद में 2-3 महीने ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद में उसे लगता है कि उसको लेस या नो रिजल्ट है, या रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, या उसको बहुत ज़्यादा घाई रहती है बॉडी बनाने की। फिर क्या होता है, वो लोकल फार्मेसी में जाता है, मेडिकल स्टोर्स में, वहाँ पे पूछता है कि कोई मेडिसिन या कुछ सप्लीमेंट बॉडी बनाने के लिए सस्ते में। तो फिर मेडिकल वाला क्या करता है, उसको प्रैक्टिन और डेक्सोना के स्ट्रिप्स दे देता है। लगभग कुछ 30 रुपये के आसपास तक खर्चा हो जाता है महीने भर की दवाइयों का। फिर वो जब लेने शुरू करता है तो उसको गेंस अच्छे मिलते हैं, अच्छे अमाउंट में उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है और वो कंटिन्यू करता है आगे 2-3 महीने तक। फिर क्या होता है, कुछ महीने कंटिन्यू करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट हो गया है, मींस फूल गया है और मोटा हो गया है। तो फिर वो मेडिसिन बंद कर देता है। जैसे ही वो मेडिसिन बंद कर देता है, हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर उसका एपेटाइट वापस, भूख लगना वापस कम हो जाता है, उसका वेट गिरने लगता है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वापस वो डे जीरो पे आ जाता है या उससे भी पीछे चला जाता है। सो ये एक स्टोरी आपको हर एक जिम में मिलेगी। जो भी लड़का सस्ते में बॉडी बनाने के बारे में सोच रहा है वो ऐसे रॉन्ग ट्रैप्स में फंस जाता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है टैबलेट डेक्सोना। टैबलेट डेक्सोना जो है, इट्स अ डेक्सामेथासोन। ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड। आपने शायद हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा कि वाटर स्टेरॉइड्स डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसमें इसका डेफिनेशन बताया गया है। सो डेक्सामेथासोन या डेक्सोना इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड। इट इज़ नॉट एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स। सो मेडिकल स्टोर्स वाले शायद उनको इतना आइडिया नहीं रहेगा, तो ये स्टेरॉयड है समझ के बच्चों को दे देते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पज़। तो बट डॉक्टर्स लोग या हम लोग जो है डेक्सोना यूज़ करते हैं आर्थराइटिस में, एस्थमास में, एलर्जिक रिएक्शंस में और बहुत सारे मेडिकल केसेस में। इट इज़ नेवर यूज फॉर वेट गेन और इस पर्पज़ के लिए। सो डेक्सोना या डेक्सामेथासोन ज़्यादा लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला कुशिंग्स हैबिटस। कुशिंग्स हैबिटस यानी वो साइन है जिसमें आपने देखा रहेगा कि मुंह फूला हुआ से रहता है, राउंड एकदम, चीक्स भरे हुए रहते हैं, डबल चिन रहता है, पेट एकदम आगे आगे आया रहता है, मसल टोनअप नहीं रहता है, बॉडी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है जैसे कि पानी भरा हो शरीर के अंदर। सो एक मेन साइड इफेक्ट है। दूसरा फ्रेजाइल स्किन, स्किन एकदम पतली और जल्दी से डैमेज हो जाती है। फिर डायबिटीज़ होता है। फिर मस्कुलर वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं, उनकी साइज डिक्रीज हो जाती है और उनका स्ट्रेंथ भी कम होता है। फिर इम्यूनिटी कम होता है। इम्यूनिटी कम होना यानी अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने को काफ़ी सारे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। सो जल्दी बीमार पड़ना, फीवर होना, बार बार बीमार छींक आना, सर्दी होना, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग को देखने मिलते हैं। फिर स्लो वुंड हीलिंग यानी आपको घाव हुआ या फ्रैक्चर हुआ, कोई भी प्रकार का वुंड आपके बॉडी में हुआ उसकी हीलिंग बहुत स्लो हो जाएगी। फिर अल्सर्स, पेट में अल्सर्स हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और उससे एवियन नाम का एक बीमारी हो सकता है जो वेरी डेंजरस है और आपका बॉडी बिल्डिंग करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। फिर कैटरैक हो सकता है आँखों में, ग्लॉकोमा यानी आँखों का प्रेशर बढ़ जाना, वो एक बीमारी हो सकती है जिसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल होती है।
फिर बर्थ एबनॉर्मेलिटीज, अगर फीमेल्स डेक्सोना टैबलेट ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे समय तक अगर लेते हैं तो उनसे उनको जब बच्चे होते हैं हो सकते हैं उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ रहे। फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें, एंड इट मे ऑल्सो लीड टू डेथ। सो डेक्सोना के इतने सारे साइड इफेक्ट्स है और लोग उसे यूज़ कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। दूसरा है प्रैक्टिन, प्रैक्टिन यानी साइप्रोहेप्टेडिन, जो एक एंटी हिस्टामिनिक्स है, यानी ये मेडिसिन हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक सर्दीज में, एलर्जिक स्किन रैशेस में। एक्चुअली एलर्जी की मेडिसिन है, इसका एक साइड इफेक्ट है कि एपेटाइट थोड़ा बढ़ जाता है, बट जैसे ही आप मेडिसिन बंद कर देंगे आपका एपेटाइट वापस डे ज़ीरो पे आके रुक जाएगा। और इसके इसके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ब्लर्ड विजन्स, आँखों के सामने धुंधलापन आना, ड्राउजीनेस, नींद आना बार बार, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में सूखापन और कन्फ्यूजन, माइंड हमेशा कन्फ्यूज स्टेट में रहता है। सो आप हमेशा सावध रहिएगा कि कोई भी अगर आपको प्रैक्टिन या डेक्सोना टैबलेट आपके बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए दे रहा है तो ये आपके जान के लिए खतरनाक हो सकता है, सो स्टे आउट ऑफ इट। और एक स्पेशल वार्निंग, काफ़ी सारे जिम्स में मैंने देखा है च्यवनप्राश के डब्बे मिलते हैं जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं रहता है, और बहुत सारे गेनर्स मिलते हैं छोटे छोटे एक एक किलो के, और उसके ऊपर कोई बॉडी बिल्डर की पीक वगैरह रहती है, और वो लेने से मैंने देखा है जो लड़का उसको लेता है वो लगभग 5 से 10 किलो वेट बढ़ता है उसका एक महीने में। क्या आपको लगता है सच में बॉडी बिल्डिंग इतनी सस्ती है, 500 रुपये में इतना मसल गेन? नहीं। सो ये लोग का यही सीक्रेट फॉर्मूला है कि ये लोग जो है ये टैबलेट्स का पाउडर मिक्स करते हैं वो च्यवनप्राश में और गेनर्स में, जिसके वजह से आपको रैपिड वेट गेन मिलता है और उसके वजह से आप बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स को भी इन्विटेशन देते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स से सावध रहिएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स प्लीज़ बिल्कुल मत लीजिएगा। और काफ़ी सारे लोग उस टैबलेट्स को लूज करके क्लेम करते हैं कि ये एनाबोलिक स्टेरॉइड्स है और बॉडी बिल्डर्स को देते हैं, सो ये भी आप सावध रहिएगा। अगर फटाफट आपको वेट गेन हो रहा है और ऐसा लगता है आपके बॉडी में पानी भरा है, सॉफ्ट गेंस है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है। सो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। ये काफ़ी एक सीरियस टॉपिक है, काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं इसके वजह से। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा, किसी को तो मदद ज़रूर मिलेगी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको और क्या सुनना है, क्या जानना है मुझे बताइए। Do subscribe my channel, there is lot more to come. Till then, bye. If you feel a little nauseous after seeing such an amazing physique, you can always go to him, he's after our doctor. Fitness and Leaks.